रायबरेली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस व सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ से ट्रक में गांजा रखकर लखनऊ बेचने जा रहे दो लोगों को मिल एरिया पुलिस ने अमावा के पास धर दबोचा। पुलिस ने ट्रक से 1 कुंटल 35 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ ट्रक ड्राइवर परमजीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी पंजाब व सतीश यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। जनपद के सर्विलांस टीम को और स्वाट टीम को तथा मिल एरिया थाने की स्थानीय पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना कुछ इनपुट मिला हुआ था कि एक ट्रक आ रही है जो आजमगढ़ की तरफ से आ रही है और पंजाब साइड जाएगी। उसमें कुछ अवैध नारकोटिक्स पदार्थ रखे हुए हैं, गांजा वगैरह। इस सूचना पर हमारी टीम लगी हुई थी और जैसे ही रायबरेली शहर में अमावा के पास ये ट्रक पहुंची, हमारी टीम जो पहले से इनको रेकी करके प्रयास कर रहे थे पकड़ने के लिए, उनको पकड़े और जब चेक किया गया तो उनके केबिन में करीब 1 कुंटल 35 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।